नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर में चार घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर ढाया कहर, कहीं जनहानि तो कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा दिखाई दिया। कहीं नदी नाले उफान पर तो वहीं जिले के तीन बांधों के गेट खोले गए और हजारों लीटर क्यूसेक पानी नदियों में छोड़ा गया, जिससे निचले इलाके के कई गाँवों में लोगों के घरों में पानी भरा, जिससे कई कच्चे मकानों को नुकसान पहुँचा तो वहीं घर में बंधे जानवर भी पानी में डूबते दिखाई दिए। आपको बताते चले कि विगत दिवस महज चार घंटे की मूसलाधार बारिश ने जिले के सभी बांध लबालब कर दिए, जिसमें ललितपुर शहर के गोविंद सागर बांध में लगातार बड़े जलस्तर से बांध के 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई, जिससे शहजाद नदी अपने उफान पर आ गई। कई जगह नदी नाले चढ़ गए, लेकिन फिर भी जान जोखिम में डालकर नदी नाली पार करते रहे, जैसा कि आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों में भी। तो वहीं ललितपुर जिले के थाना जाखलौन क्षेत्र अंतर्गत धौरा कस्बे के जहाजपुर गांव से होकर निकले एक नाले में तेज बारिश के बीच एक मैजिक लोडिंग वाहन पानी के तेज बहाव में बह गया। उसमें सवार दो लोग भी पानी के तेज बहाव के साथ बह गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, जबकि लोडिंग वाहन करीब 60 फीट पानी में नीचे अभी भी पड़ा है तथा पानी के तेज बहाव में बहे दोनों युवक पेड़ पर करीब 3 घंटे टंगे रहे, जिन्हें ग्रामीणों ने अपने अपने स्तर से रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बचाया, जो कि पूरे जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पेड़ों पे टंग गए, फिर फोन आया घर से फोन आया तो वहाँ बताया, उससे फोन के जरिए ग्रामीणों तक रीच पहुंची। एक बाइक वाले ने बताया कि यहाँ दो आदमी बैग पिकअप में। लगभग कितना टाइम तक आप लोग पेड़ के सहारे टंगे रहे? हम पेड़ के सहारे करीब 2 से 2.5 घंटा चले। तो वहीं ललितपुर जिले के तहसील पाली में मौसम की पहली बारिश में ही नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल खुली और मकानों में पानी भरा, हैंडपंप डूबे, जिससे यहां रहने वाले लोगों को एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आपको बताते चलें कि इन दिनों पड़ने वाली भीषण उमस भरी गर्मी के बाद अचानक मौसम में आए परिवर्तन से देर रात से ही पूरे जिले में झमाझम बारिश शुरू हो गई है, और जो पूरी रात हुई उसी क्रम में ललितपुर जिले कस्बा पाली में रात भर हुई बारिश से यहां के नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। लोगों के घरों में पानी भर जाने से यहां के लोग परेशान हैं और वह यहां की नगर पंचायत को कोस रहे हैं। तो वहीं ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद सागर बांध रोड स्थित राजपूत कॉलोनी में जहाँ से निकले एक नाले में स्कूल पढ़ने गए एक 12 साल के बच्चे की बहने की सूचना मिली थी, और बच्चे का स्कूली बैग और बोतल नाले के पास पड़ी मिली, जिसकी सूचना पर बच्चों को खोजने निकली नगर पालिका की रेस्क्यू टीम ने नाले के कुछ ही दूरी पर बच्चों को खोजने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी नगर पालिका की रेस्क्यू टीम द्वारा नाले में झाड़ियों में फंसे बच्चे को ललितपुर के जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल ये बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए घर से गया था, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के कारण टैक्सी वाला इसे वापस घर की ओर छोड़ गया। इसके बाद घर जाते समय यह हृदय विदारक घटना घटित हो गई, जिसको लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ललितपुर में बाढ़ के पानी में फंसे 2 मजदूरों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से अपनी जान पर खेलकर सकुशल उसे बचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिससे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों मजदूरों को गहरे पानी से सुरक्षित बाहर निकाला है। जैसा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार पानी टंकी पर काम कर रहे थे ये मजदूर, और अचानक मूसलाधार बारिश होने के कारण चारों ओर से अचानक पानी आ गया और वह इस पानी में फंस कर रह गए। इन मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जिजियावन गांव का ये पूरा मामला बताया गया। तो वही ललितपुर जिले के भावनी बांध के अचानक सभी गेट खोलने से आसपास क्षेत्र के ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। तो वही ग्रामीण पानी में फंसे अपने अपने जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे रहे। बांध के अचानक बिना बताए गेट खुल जाने से ग्रामीणों के घरों में अंदर पानी भर गया, जिससे ग्रामीण परेशान रहे। पानी की बसार और बढ़े आ गई यार, दीवार की भी आ गई।
इस समय 12 गेट चल रहे हैं हमारे, 6-6 फीट से 5200 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। ऊपर से पानी चूँकि तेज़ी से आ रहा है, अगर इस तरह आता रहा तो हम गेट और बढ़ाएंगे और पब्लिक को यही संदेश देंगे कि वो अपनी सुरक्षा के लिए नदी के आसपास जहाँ से पानी गुजर रहा है उससे दूर रहें। हम लोग वायरलेस भी कर रहे हैं, वैसे भी उनका जो भी संचार माध्यम है उससे सूचना दे रहे हैं, पब्लिक की जनहानि ना हो और हमारा पानी आराम से नदी से निकलता रहे। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर पुलिस को क्या सूचना दी गई है? पुलिस को हम वायरलेस से बराबर सूचना दे रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि, क्योंकि हमारी रेलिंग पे लोग लग जाते हैं, तो हमने पुलिस से कहा है कि यहाँ पे आकर के थोड़ी सी इन लोगों को नियंत्रित करें, इसके लिए हम बराबर वायरलेस से सूचना दे रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।